Welcome back, dear students. Good morning. Today we will read chapter 4. This is a poem. आज हम अपनी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे एवं समझेंगे. यह एक पोएम है. जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि पोएम जो पोएम होती है उसका लाइन बाय लाइन शाब्दिक मीनिंग नहीं होता है, यानी हर शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्योंकि पोइट कुछ वर्ड्स राइम करने के लिए भी जोड़ देता है. सो आज के लेसन का नाम है गुड हैबिट्स. क्या है? गुड हैबिट्स. लेसन 4, गुड हैबिट्स, मतलब इट मीन्स अच्छी आदतें. अच्छी आदतें कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम जानेंगे. उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल रीड ग्लोसरी, यानी हम सबसे पहले ग्लोसरी को पढ़ेंगे. उससे पढ़ने से हमें लेसन को पढ़ने में और समझने में आसानी रहती है. सो लेट्स स्टार्ट ग्लोसरी. फर्स्ट मीनिंग है हेल्दी, HELTHY, हेल्दी. हेल्दी मीन्स सशक्त, स्वस्थ, यानी मजबूत, कोई तरह की बीमारी नहीं रहना, स्वस्थ रहना. नेक्स्ट है वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी मीन्स धनवान, पैसे वाला, अमीर, जिसे बोलते हैं वह कहलाता है वेल्दी. नेक्स्ट है wise, WISE, wise. Wise means बुद्धिमान, जो अपनी बुद्धि से अकल से काम लेते हैं उन्हें बुद्धिमान कहते हैं. नेक्स्ट germs, 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 germs. germs means रोगाणु, कीटाणु, जो हमारे दांतों में लग जाते हैं ना, उन्हें germs बोलते हैं. नेक्स्ट है ATBAY, एट बे मीन्स किसी समस्या को दूर रखना. नेक्स्ट है गे, GAY, गे. गे मीन्स खुश, प्रसन्न. नेक्स्ट है मैस, MESS, मैस. मैस मीन्स गंदा, जो गंदगी होती है ना उसे बोलते हैं मैस. नेक्स्ट है रूड, RUDE, रूड. रूड मीन्स अशिष्ट, यानी शिष्टाचार से विमुख रहना. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ग्लोसरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. नाउ वी विल रीड आवर चैप्टर 4. अब हम अपना लेसन 4 पढ़ेंगे एवं समझेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है गुड हैबिट्स, मीन्स अच्छी आदतें. अच्छी आदतें कौन कौन सी होती हैं? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, आप उसका आंसर मुझे दीजिएगा. देखते हैं आपको अच्छे से समझ में आता है या नहीं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. नीचे जो तो पिक्चर दिए गए हैं ना, उनको अच्छे से ध्यान से देखना. क्या हो रहा है वहाँ पे? एक डॉक्टर बच्चे को चेक कर रहा है, एक डॉक्टर है जो बच्चे के दांत चेक कर रहा है. सो हमें समझना है कि ये क्या हो रहा है. डिस्कस. फर्स्ट है डिस्कस मीन्स चर्चा करना. तो चर्चा इसी तरह होती है, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँगी आप उसका आंसर दोगे. तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है What do you see in the picture given above? आपको ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनमें आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई दे रहा है? एक डॉक्टर बच्चे को चेक कर रहा है ना, उसके सीने पे वो लगा के, और एक डॉक्टर उसके दांत चेक कर रहा है, बहन जो बैठी है उसको. तो मतलब डॉक्टर देख रहे हैं बच्चों को, चेक कर रहे हैं. नेक्स्ट है
Why do you go to a doctor? सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। नेक्स्ट, वॉट शुड वी डू टू रिमेन हेल्दी? इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रश्न है। हमें क्या करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें, हम कभी बीमारी ना पड़े? सो लेट्स रीड द पोएम। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मीन्स जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। यानी हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी बुद्धि तेज होती है और हमें धन लाभ भी होता है। ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस ए डे keeps your germs healthy and germs to at bay। Means दो बार दांतों को ब्रश करना मसूड़ों को स्वस्थ एवं रोगाणुओं को दूर करता है। इट मीन्स कि दो बार ब्रश करने से गम्स यानी मसूड़े हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं और जम्स नहीं होते हैं। जम्स मीन्स कीटाणु, तो वे नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइन क्या है हमारी। अ बाथ एवरी डे कीप्स अस फ्रेश क्लीन एंड गे। यानी प्रतिदिन स्नान करना हमें तरोताजा, स्वस्थ और खुश रखता है। यानी हम फ्रेश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बीमारी हमारे पास में नहीं आती है और खुश रहते हैं हम। इट मीन्स प्रतिदिन स्नान करने से शरीर फ्रेश और स्वच्छ होता है, स्वस्थ रहता है। कॉम्ब योर हेयर एंड वियर क्लीन ड्रेस, ट्रिम योर नेल्स एंड दे वॉन्ट टू कम मेस। अपने बालों को कंघी करो और साफ कपड़े पहनो। अपने नाखून काटो, वो गंदे नहीं दिखाई देंगे। मतलब कि इट मीन्स अपने बालों को हमेशा कंघी करो, जिससे बालों में कोरा नहीं होता है, यानी डैंड्रफ नहीं होता है। और साफ कपड़े पहनो, जिससे हमारे शरीर को कीटाणु नहीं लगते हैं। और अपने नाखून काटो, वो गंदे नहीं दिखाई देंगे। हम जब नाखून नहीं काटते हैं तो हमारे नाखून कैसे दिखते हैं? गंदे, एकदम काले काले से। हमें अपने नाखून काटने चाहिए, जिससे वे गंदे नहीं दिखाई देंगे और कीटाणु हमारे शरीर में, हमारे पेट में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट है, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड वॉश योर हैंड्स एंड डोंट बी रूड। मीन्स खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ धो और अशिष्ट मत बनो, संस्कारी बनो, शिष्टाचारी बनो। इट मीन्स खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हमें अपने हाथ धोने चाहिए, और इससे हमारा शिष्टाचार बढ़ता है। होता है ना, मम्मी कहती है खाना लग गया है, चलो जाओ हाथ धो के आओ। तो खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू शुड स्टडी योर लेसन्स एवरी डे, प्रे टू गॉड एंड ऑल्सो गो आउट टू प्ले। तुम्हें अपना पाठ प्रतिदिन याद करना चाहिए, भगवान की पूजा करो और खेलने भी जाओ। मीन्स हमेशा अपना जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, हमें जो भी गुरुजी, भैया जी, दीदी जो भी पाठ पढ़ने के लिए देते हैं, याद करने के लिए देते हैं, वो हमेशा हमें पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। और भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए हमेशा, और खेलना भी चाहिए।
शॉर्ट, जल्दी उठना, जल्दी सोना, दो बार ब्रश करना, प्रतिदिन नहाना, बालों को कंघी करना, अपने नाखून काटना, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना, प्रतिदिन स्टडी यानी पढ़ाई करना, प्रतिदिन खेलना और प्रे करना अच्छी आदतें होती हैं। इट मीन्स दे आर गुड हैबिट्स। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।